अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कितने अजीम होते हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी का मकसद इंसानियत की खिदमत होता है। आज हम ऐसे ही शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ, आज हम बात करते हैं अब्दुल सत्तार एधी मरहूम की। अब्दुल सत्तार एधी हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के एक गांव बाठवा में पैदा हुए। उनके वालिद अब्दुल शकूर साहब बहुत ही गरीब आदमी थे और कपड़े का काम करते थे। गुर्बत की वजह से वो अब्दुल सत्तार को आला तालीम नहीं दिला सके और उन्होंने सिर्फ प्राइमरी तालीम ही हासिल की। बचपन में अब्दुल सत्तार साहब पेंसिलें तोलिया वगैरह बेचते, घर घर जाके दूध फरोख्त करते, कभी गले में पांचा लटका कर पान बेचते। उनको बचपन में दो पैसे मिलते थे जिसमें से वो एक अपने ऊपर खर्च करते और एक किसी ज़रूरतमंद को दे देते थे। जब वो 11 साल के हुए तो उनकी वालदा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। आप वालदा की खिदमत करने लगे, लेकिन 19 साल की उम्र में आपकी वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर आप अपने ख़ानदान वालों के साथ हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और यहाँ एक डिस्पेंसरी में काम करने लगे। जब आपके पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो गए तो आपने एक ज़ाती मकान ख़रीदा और इसमें एक फ्लाई डिस्पेंसरी एक डॉक्टर की मदद से कायम कर दी। रात को आप घर जाने के बजाय उसी डिस्पेंसरी में ही सो जाते ताकि अगर रात में कोई मरीज़ आए तो उसको बरवक्त तिब्बी इमदाद पहुँचा सके। वो कहते हैं कि दिल में खिदमत का जज्बा हो तो तरक्की के रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। जब एक शख्स ने आपको इस तरह गरीबों की खिदमत करते देखा तो उसने आपको 20,000 रुपये का चंदा दिया। उस 20,000 रुपए से आपने एक पुरानी वैगन ख़रीद ली और उस वैगन के ज़रिए आप ज़ख्मियों को और लाशों को जगह जगह से उठाने लगे। जब आपने मज़ीद अपनी खिदमत का दायरा बढ़ा दिया और पूरे सिंध में आपने इमदादी सरगर्मियां तेज़ कर दी। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में जब जलजला आया तो आप अपनी एम्बुलेंस लेकर वहाँ पहुँच गए और वहाँ के मरीजों की दिन रात खिदमत की। लबनान इसराइल की जंग में आपने अपनी एम्बुलेंस वहाँ भेजी। आपको जब भी गरीबों की फलाह के लिए पैसों की ज़रूरत होती तो आप कभी हुकूमत से मदद नहीं मांगते थे, बल्कि चादर बिछाकर बाज़ार में बैठ जाते और भीख मांगने लग जाते। एक दफ़ा आपने माचिस मुहिम शुरू की तो एक सखी शख्स ने आपको एक माचिस के बदले 91 लाख रुपये चंदा दिया। इसी तरह कभी आप झोली फैलाओ मुहिम शुरू कर देते और देखते ही देखते चंद घंटों में लाखों रुपए चंदा मिल जाता था। एक दफ़ा हिंदुस्तान से आई हुई एक बच्ची गीता, जिसकी परवरिश बेगम बिल्किस एधी ने की, जब उसके वारसों का पता चला तो आप उसको लौटाने के लिए हिंदुस्तान गई तो वहाँ के वज़ीर आज़म ने आपको एधी ट्रस्ट के लिए 1 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया, लेकिन आपने लेने से साफ इनकार कर दिया। आपकी तबीयत में साथ ही बेइंतहा दर्जे की थी। आप हमेशा मलाइशिया यानी खद्दर के कपड़े का कुर्ता पजामा, जिना कैप और स्पंज के चप्पलें पहनते थे। सिर्फ 3 जोड़े थे आपके पास, वही धो धोकर पहनते रहते थे और दाल चावल खाना पसंद करते थे। आपने कराची में बेशुमार इमारतें अपने घर के नाम से तामीर की, बहुत से अस्पताल कायम किए। पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा शहरों में एधी फाउंडेशन कायम है, बहुत ज़्यादा अस्पताल कायम है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बैरून ममालिक में भी आपने एधी फाउंडेशन कायम की। आपकी खिदमत को देखते हुए आपको बहुत से एजाजात से नवाजा गया। यूनेस्को का अवार्ड दिया गया, जामिया कराची की एजाजी डिग्री दी गई। इसके अलावा गिनीज बुक में आपकी एम्बुलेंस को दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के नाम से जाना गया। कौम का ये अजीम शख्स इंसानियत की खिदमत करते करते 2016 को वफात पा गया। आपकी तदफीन नहायत ही एजाज के साथ की गई। आपके इंतकाल पर सदर पाकिस्तान, चारों सूबाई वज़राए आला, इसके अलावा सेनेट के चेयरमैन, तीनों अफवाज के सरबराहान ने आपके जनाजे में शिरकत की और आपकी वसीयत के मुताबिक आपके कायम करदा एधी विलेज में आपको दफन किया गया। मरने के बाद भी आपने अपनी रविश को जारी रखा और आपकी वसीयत के मुताबिक आपकी दोनों आँखें एक नाबीना शख्स को लगा दी गईं। काश कि हम सब में इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा हो जाए और हम भी अब्दुल सत्तार एधी साहब ने जो शमा जलाई है उसको हमेशा रोशन रखें। शुक्रिया।